अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आदिवासी हेयर ऑयल कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस हेयर ऑयल है जो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है क्योंकि इसमें स्कैम हो रहा है। इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा है तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स कर्नाटका जाकर, मैसूर जाकर, जो हकीबिकी आदिवासी कम्यूनिटी है उनसे मिलकर वहाँ की ऑयल मेकिंग बता रहे हैं और साथ ही वहाँ के रियल जो नंबर्स है वो भी ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन आपको पता है उस ऑयल की कीमत क्या है? 1500 की दो बोतल और उसे 6 महीने यूज़ करना है। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं क्या 1500 रुपये वाला हेयर ऑयल बुलाना चाहिए या नहीं और हमें असली मिलेगा या नकली, तो सारे टेंशन छोड़ दीजिए। आज हम बनाएंगे घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से आदिवासी हेयर ऑयल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पॉसिबल हो सके उतनी जड़ी बूटियाँ डालने की, अरेंज करने की कोशिश करेंगे और 100% नेचुरल ऑयल बनाएंगे। तो सबसे पहले एक मैंने बर्तन ले लिया है और उसके अंदर हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर पैराशूट ऑयल लिया है, कोकोनट वाला, जो सभी के यहाँ अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 300 ml वाली पूरी बॉटल। अब हम डाल देंगे यहाँ पर मेथी। 2 टेबल स्पून मेथी डाली है मैंने, आप चम्मच सेट कर लीजिए। 2 टेबल स्पून ही हम डालेंगे कलौंजी। उसके बाद यह है मेरे पास सूखा आंवला। अगर आपके पास सूखा आंवला नहीं है, ग्रीन वाला है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये सभी चीज़ें आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी बेरी की पत्ती। जो बेर आते हैं ना, उसके झाड़ आते हैं और उसके पत्ते आते हैं, तो यहाँ पे मैं सूखे वाले डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश ग्रीन वाले हैं तो आप वो डाल सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया है, कटोरी सेट कर लीजिए, 1 चम्मच सेट कर लीजिए, उसके हिसाब से डालिए। अब हम डालेंगे 1 कटोरी भर के यहाँ पर भृंगराज, और उसके बाद डालेंगे हम 1/2 कटोरी नागर मुथा। और ये जो भी जड़ी बूटियाँ मैं डाल रही हूँ ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और बहुत ही रिजनेबल रेट में, और साथ ही आपके यहाँ कोई भी छोटी सी जड़ी बूटी की दुकान हर जगह अवेलेबल होती है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, ये मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने छोटी छोटी पत्तियाँ ले ली है एलोवेरा की। तो एलोवेरा का पौधा अगर आपके पास है तो वो ले लीजिए और इस तरीके से इसे कट कर लीजिए, साफ़ तरीके से धोकर, और उसके कांटे निकाल लिए हैं मैंने और इसके स्किन के साथ ही छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े हमें करने हैं। और एलोवेरा भी आप सभी को पता है बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जब हम एलोवेरा डालेंगे ना तो इसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है तो थोड़ा तेल तड़कने लगेगा, तो इसे आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। और जब भी हम ये सब चीज़ें ऐड करेंगे तेल के अंदर तो गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ते का ऑयल। तो देखिए कड़ी पत्ते को मैंने कोकोनट ऑयल में ही अच्छे से बॉईल करके पका के रखा है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप फ्रेश वाले जो कड़ी पत्ते होते हैं ना वो डाल सकते हैं, या अगर आपके पास सूखे कड़ी पत्ते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी कड़ी पत्ता आपको डालना है और अच्छे तरीके से साथ ही हम ये सभी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। कुछ चीज़ें वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो साथ ही आप वो भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ आपके पास कम है तो बिना उसके भी आप बना सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है आपके लिए। और अगर वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि उन्हें भी इस ऑयल का फ़ायदा हो सके। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो उसी तरीके से हमारा तेल नज़र आ रहा है ना, जड़ी बूटियों वाला। जी हाँ, सेम उसी तरीके से ये तेल बनता है। और साथ ही जो आदिवासी लोग हैं इसमें 5 किस्म के ऑयल ऐड करते हैं। तो पहला जो कोकोनट ऑयल है वो तो हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। तो वो हमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून डालना है, या इस तरीके से एक डोई वाला चम्मच सेट कर लीजिए, उसके हिसाब से 1 बड़ी डोई भर के डाल दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास रोगन बादाम तेल है तो वो डाल सकते हैं आप 1 चम्मच इसके साथ में। और अगर आपके पास वो नहीं है तो तेल पूरा बन जाए उसके बाद आप 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल खोलकर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसी के साथ 1 चम्मच आपके पास अगर सरसों तेल अवेलेबल है तो सरसों का भी तेल आप 1 ही चम्मच यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं हम, जैतून का तेल, तो वो भी यहाँ पर आप 1 चम्मच साथ में डाल सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये आदिवासी लोग इसमें डालते हैं, ऐसा उनका कहना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए और नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं।
तो देखिए अच्छी तरीके से तेल ठंडा हो चुका है पूरे पकने के बाद, तो मैंने तो इसे रात भर के लिए ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है ताकि अच्छी तरीके से सभी जड़ी बूटियाँ इसमें तासीर छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा मेरे पास जासवंती का फूल है, रेड कलर का आता है ये, लेकिन सूख गया है इसलिए पिंक नज़र आ रहा है। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इसे भी तेल बनते टाइम डाल दीजिएगा, इससे भी बाल काले घने लंबे होते हैं, जड़ों से मजबूत होते हैं। और इसी के साथ साथ मैं और कुछ चीज़ें भी आपको बता देती हूँ, अगर वो चीज़ें या उनमें से कुछ चीज़ें आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, और नहीं है तो जिस तरीके से मैंने बनाया है तो बस उसी तरीके से डाल के बना लीजिए। मुझे तो इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जटामासी अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए आप आधी कटोरी। रोजमेरी लीव्स सूखे वाले 2 टेबलस्पून, या तो फिर हरे वाले भी ले सकते हैं। लाल छोटी वाली प्याज 4 से 5, छिलके के साथ भी डाल सकते हैं। ब्राह्मी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून। हरी लौकी यानी कि दूधिया कट करके डाल सकते हैं अच्छे से धोकर 2 टेबलस्पून। कड़ू नीम के पत्ते डाल सकते हैं आधी कटोरी। नीलांबरी जड़ी बूटी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून। साथ ही सूखे गुलाब के पत्ते 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास शिकाकाई है तो वो भी आप डाल सकते हैं आधी कटोरी से कम। और अगर आपके पास सूखी मेहंदी के पत्ते हैं तो वो भी आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं तेल को अच्छी तरीके से छलनी की मदद से छान लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। अब बस आपको इसे कैसा लगाना है, हाथों पर थोड़ा तेल ले लीजिए और स्कैल्प के अंदर यानी कि जड़ों के अंदर अच्छी तरीके से मसाज कीजिए, और मसाज करने के बाद इसे बालों में ही रहने दीजिए। आप चाहे तो पोनी डाल लीजिए, जूड़ा बांध लीजिए या चोटी भी डाल सकते हैं। और रात में लगा रहे हैं तो सुबह धो लीजिए, और सुबह लगा रहे हैं तो उसे शाम को धो लीजिए, यानी कि थोड़ा जड़ों में तेल रहना चाहिए। अगर आप वैसे ही तेल छोड़ सकते हैं बालों में तो आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि 100% नेचुरल चीज़ों से ये बना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, कितना अच्छे तरीके से ये तेल बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हर्बल हेयर ऑयल, जड़ी बूटी हेयर ऑयल सूट होता है, सूट करता है आपके बालों को, तो आप ज़रूर से इसे बनाकर तैयार कीजिए और इसे लगाइए। कभी कभी बहुत से हेयर ऑयल यूज़ करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की कमी होना, जिसे पूरा करने के लिए या वो कमी ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, भरपूर से हरी सब्जियां खानी है, दालें अपनी डाइट में शामिल करनी है, फ्रूट्स खाना है जो भी सीज़न के अवेलेबल है। अगर आप दूध ले सकते हैं तो वो लीजिए। अगर आपको छाछ और दही पसंद है, आपके बॉडी को सूट करता है, तो वो साथ में लीजिए। भरपूर से पानी पीजिए और साथ ही योगा कीजिए अगर कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते तो कम से कम वॉकिंग कीजिए। और किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, तो आपको इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको मेरी छोटी सी बात पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।